आंतों के कैंसर में अक्सर पेट की समस्याएं हो जाती हैं। आंतों के कैंसर के सही कारण क्या हैं? बताएंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनीश मारू। आंतों में कैंसर होने का मुख्य कारण एक तो ये जेनेटिक होता है, जो फैमिली के अंदर कई कई मेंबर्स इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं। कई तरह के सिंड्रोम है जिसमें आंतों का कैंसर पाया जा सकता है। इसके अलावा मुख्य कारण जो आंतों के कैंसर का है वो है नॉन वेजिटेरियन डाइट। नॉन वेजिटेरियन डाइट, स्मोक्ड फूड या स्मोक्ड नॉन वेज फूड अगर ज़्यादा खाया जाता है और वेजिटेरियन डाइट कम है, तो जो केमिकल्स इनमें होते हैं वो ज़्यादा देर तक इंटेस्टाइन के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और जितनी ज़्यादा देर वो उसके कॉन्टैक्ट में रहेंगे वो कैंसर ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आदमी वेजिटेरियन डाइट लेता है, फाइबर रिच डाइट लेता है, तो ये जितने भी टॉक्सिन बनते हैं वो टॉक्सिन सारे उस डाइट के ऊपर एब्जॉर्ब होकर के हमारे लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। तो ये कैंसर जो है वो मुख्य रूप से नॉन वेज खाने वालों में होता है। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में रहे, तो वो भी एक कारण बनता है कि आंतों के अंदर कैंसर हो सकता है। इसके अलावा एक बीमारी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़, जो कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है। बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है आंतों के अंदर, और लंबे समय तक पेशेंट को दस्त की और ये समस्या रहती है। अगर ये दोनों बीमारियाँ लंबे समय तक चलें तो ये आगे जाकर के 10 साल 15 साल के बाद में आंतों के कैंसर में डेवलप हो सकती है। कैंसर के बारे में और जानने के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।